अस्सलाम वालेकुम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा सजल अली का इंडिया के सुपरस्टार, जिनका नाम ही काफ़ी है, जिनका नाम जब आ जाए तो इंडियन फिल्म जो है वो धमाके करना शुरू कर देती है और अपने ही रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर देती है। प्रभास के साथ बॉलीवुड में रोमांटिक कमबैक करने जा रही हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी सजल अली। सजल अली की किस्मत एक बार फिर से चमक उठी है। इस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे कामयाब हीरो प्रभास जो है, उनके साथ सजल अली काम करने जा रही हैं। सजल अली 7 साल बाद इस वक्त बॉलीवुड में एक बार फिर से अपने नाम की धाक बिठाने जा रही हैं। फिल्म कहाँ पे शूट की जा रही है, सजल और प्रभास के साथ कौन कौन शामिल है, क्या ये एक रोमांटिक फिल्म है, क्या सजल जो है किस तरह के कपड़े पहनने जा रही है, किस तरह के रोमांटिक सीन्स जो हैं वो पिक्चराइज होंगे इसमें, क्या सजल ने अपना क्राइटेरिया बता दिया है या फिर सजल भी बाकी उन अदाकारों की तरह जो वहाँ पर जाती हैं और गंद घोल के आ जाती हैं, मुल्क का नाम बदनाम करती हैं, क्या सजल भी ये सब कुछ करने जा रही है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, बेल के आइकन को क्लिक ज़रूर करें। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, लॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री की मारूफ खूबसूरत प्यारी एक क्यूट सी गुड़िया सजल अली, उनसे मुतालिक जी एक खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि वो एक बार फिर से बॉलीवुड के प्रोजेक्ट में मारूफ हीरो प्रभास के साथ जो है वो रोमांस करती हुई नजर आएंगी। प्रभास किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सब जानते हैं कि इंडियन सिनेमा, खुसूसन तेलुगु जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा नाम है। वो बाहुबली, बाहुबली 2, सालार जैसी सुपर डुपर हिट्स फिल्मों में जो है काम कर चुके हैं और उनको, प्रभास को भारत में जो है वो फिल्मों की कामयाबी की जमानत इस वक्त समझा जाता है। तो इतना बड़ा कमबैक, इतने ज़बरदस्त अंदाज में, इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जो है वो सजल अली एक बार फिर से कमबैक कर रही हैं। सजल अली और अदाकार प्रभास रोमानवी ड्रामे में एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे। ये एक रोमांटिक फिल्म है। इससे पहले आपको बताती चलूँ कि सजल जो हैं बॉलीवुड की फिल्म मॉम में अदाकार अदनान सिद्दीकी और श्रीदेवी जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके साथ काम करती हुई नज़र आई। सब लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिंग की तारीफ़ की गई और बड़ा ही उनका प्यारा सा करेक्टर था। अब अदाकारा सजल अली 7 साल के बाद जो है बॉलीवुड में एक बार फिर से अपने नाम की धाक जो है वो बिठाने के लिए तैयार हैं। सजल अली की नई फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक रोमांटिक किस्म की फिल्म होगी। ये फिल्म शायकीन को सिनेमा की दुनिया में एक बार फिर से जो है वापस लेकर आएगी। एक तहलका अंगेज तौर पे कहा जा रहा है कि जी ये खूबसूरत और बड़ी प्यारी सी फिल्म है जिससे जो है वो सजल अली तो कमबैक करेंगी करेंगी, लेकिन इंडस्ट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मौके खुलेंगे, पाकिस्तान से अदाकारों को मौके भी मिलेंगे। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इस वक्त एक और ख़बर गर्दिश कर रही है जहाँ पर फवाद खान ने वानी कपूर के साथ जो है 8 साल बाद, कि तवील अरसा है ये बहुत ज़्यादा, उसमें वापसी जो है वो कर रहे हैं और इंटरनेट पर इन दोनों की जोड़ी की धूम है। और आज सजल अली के बारे में ये खबर जो है वो सामने आई है कि वो इतने बड़े अदाकार, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ जो है वो फिल्म में काम करने जा रही हैं। थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि सजल ने हॉलीवुड में भी काम किया है। सजल एक टैलेंटेड खातून है और अगर हम ये बात करें कि फिरोज़ खान के साथ जब इनका रिलेशनशिप था, तब इनको मॉम जो है वो ऑफ़र हुई थी और वो वहाँ पे जाना चाहती थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं जाना चाहते थे, जो इनके दोस्तों ने, सोर्सेस वगैरह ने जो है कंफर्म किया था। उसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब आप देखें कि अहद रज़ा मीर के साथ इनकी शादी होती है जो 1 साल तक जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस वक्त सजल अली अपने करियर पर फोकस कर रही हैं और एक बार फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में करने जा रही हैं। कॉमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये किस तरह की फ़िल्म होगी, क्योंकि एक रोमांटिक फ़िल्म जो है वो कहा जा रहा है। और अगर हम तेलुगू फिल्मों की बात करें तो वो बड़ी फैमिली फिल्म्स होती हैं, बड़ी जो है तरीके से स्टोरी पे काम किया जाता है और बड़ी जो है घरेलू किस्म की जो है फिल्में होती हैं जहाँ पर हर बंदा, हर तबका, हर बच्चा, बड़ा छोटा जो है फिल्म में बैठ के देख सकता है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये फिल्म किस तरह से जाएगी। सजल की एक्टिंग के हवाले से बताइएगा कि आपको कितनी पसंद है और सजल ने अब ये प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया है, क्या अब सजल रुकेंगी या फिर प्रोजेक्ट्स पर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया में करती जाएंगी। और जो मेरे इंडियन देखने वाले हैं वो ज़रूर बताइएगा कि आपको सजल अली कैसी लगती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।